नमस्कार, मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को गुड मॉर्निंग, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में, जहां से आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बिखरा हुआ है, थोड़ा सा लेंदी है। बिखरा और लेंदी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर इसको हम याद करने का प्रयास करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा, लेकिन कुछ इस प्रकार की अगर हम मेहनत करेंगे तो यह बहुत ही आसान हो जाएगा। तो डिपेंड हम पर करेगा कि हम इसको इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग बनाते हैं या लेंदी बनाते हैं। यहाँ पर ये जो मैप आप देख रहे हैं, यह आप में से ही किसी ने बनाए हैं। जिन्होंने बनाया है उनका नाम मैं आगे बताऊंगा, अर्थात आप ही में से कुछ स्टूडेंट ने इसको ड्रॉ करके भेजा है। हमने उनको बताया था कि इसमें क्या करना है, हमने उनको एक मैप भेजा और उसके आधार पर उन्होंने इसको बनाया है। जिन लोगों ने इस तरह से मैप बना लिया, अर्थात इस तरह से कुछ लकीरें खींच लीं, नदियों को पेजों पर हमारे हिसाब से चला दिया, उनके नदी से जुड़ा हुआ कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आप फिल्म्स के पेपर को देखेंगे तो हर दूसरे साल यहाँ से कम दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी पकड़ यहाँ पर हो गई तो सिर्फ रिवर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगे चलकर जब हम एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, भारत की वनस्पति वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। सिंचाई वाले चैप्टर में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसी तरह से एक मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट होते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएँ होती हैं जिसमें हम बांधों की बात करते हैं, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है कि पहले हम सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, और बेसिक जानकारी लेने के बाद आप मेरे साथ यहीं पर कुछ इमेज बनाएंगे, अर्थात कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जिस तरह से आपके ही बीच से कुछ स्टूडेंट ने यह मेहनत की है, ये देखिए, हम आप ही में से एक नाम है रोशन लाल जी, उनकी वो भी यहाँ पर हैं, रोशन लाल जी भी यहाँ पर हैं, है ना। लेकिन पहले हमने उनका नाम पूछा कि वो किस नाम से लाइव आते हैं, फिर हमने सोचा नहीं, है ना, वो उनकी प्राइवेसी का पार्ट है। तो रोशन लाल जी लाइव बने हुए हैं और अभी से नहीं डेली से आते हैं, और ऐसे भी नहीं बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, अभी हमसे जुड़े हुए हैं। और हमने उनको इमेज भेजा हमारी टीम ने, और उन्होंने ये बना कर दिया है। इसी तरह से आपको बनाना है। तो रोशन लाल जी ने चार इमेज बनाए हैं, और ऐसे ही चार इमेज नीलू यादव जी हैं, वो भी क्लास में हैं और उनका भी एक आईडी है जिस नाम से वो आते हैं, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, प्राइवेसी है वो, तो उनका सिर्फ हम नाम यहाँ पर बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं उन्होंने भी इस तरह से यह आपके लिए क्या किया है, इमेज ड्रॉ किया है। आपको भी बस यही करना है, अर्थात हम जो है कि नदियों को उस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि ये नदी यहाँ से निकलती है, वो भी बताऊंगा, वो भी टेक्स्ट बताऊंगा जो आपको चाहिए, वो सब बताऊंगा कि कहाँ से निकलेगी, कितनी कब, लेकिन हम उसको सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं, सबसे पहले हम इस प्रकार की इमेजेस पर मेहनत करेंगे जिससे नदियाँ अपने आप क्या हो जाएँ, हमें याद हो जाएँ, कंठस्थ हो जाएँ, उसके बाद उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को देखेंगे। जैसे आप खुद समझिए, एक बार आप चित्रकारी कर लें, एक बार चीज़ों को ड्रॉ कर लें, आपको पता चल जाए कि मुख्य नदी कौन सी है, सहायक नदी कौन सी है, किधर से आकर कौन सी नदी मिल रही है, कहां पर जल गिरा रही है, तो अपने आप बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। फिर टेक्स्ट के माध्यम से हमें कुछ ही चीजों को पढ़ना होता है। तो यहां पर मेरा प्रयास यह होगा कि अगर आप आंख बंद करें तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों का पूरा नक्शा आपको दिखे, अर्थात ये इमेज आपको दिखे, एक एक नदी आपको दिखे, और वह नदी जरूर दिखे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सामान्यतः क्या होता है, हम बड़ी बड़ी नदियों को देख लेते हैं, एग्जामिनर हमसे छोटी नदी पूछ लेता है, कहता है इसको नहीं देखे थे, तो हम कहते हैं इतने छोटे पे तो ध्यान नहीं गया। तो हम जितने छोटे पर एग्जाम में पूछा जा सकता है उतनी छोटी नदियों तक भी जाएंगे, अर्थात हम मुख्य नदी जो बड़ी नदी होती उसको देखेंगे, सहायक नदी देखेंगे, और सहायक की भी सहायक नदियों को देख लेंगे, जिससे क्या हो जाए, उससे बनने वाले प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर सके। यहाँ पर भी आपको एटलस का खूब ज़्यादा प्रयोग करना है। अब देखिए, आप ही में से कुछ लोग हैं, है ना, वो मुझे एक महीने से सिर्फ एक ही मैसेज कर रहे हैं, सर एटलस जरूरी है,
एटलस जरूरी है। तो पहले हमारी टीम ने जो है कि उनको रिस्पॉन्स किया, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब हम कह देते हैं कि नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं, फालतू की चीज़ है। आप एक महीने से जब इस डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि जरूरी है, तो कहीं ना कहीं वो जरूरी नहीं है आपके लिए। अगर जरूरी होता तो एक महीने से एक ही प्रश्न बार बार रिपीट ना करते। तो जिन लोगों के पास एटलस होगा आज उनको मजा आने वाला है, जिनके पास एटलस नहीं है आज ही ले लीजिएगा, मैं बार बार क्लास में आपसे कहता हूँ। चलिए सेशन को स्टार्ट करें, सेशन को स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग, 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 ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा बच्चों, बहुत बेसिक से, मतलब आपने इतने बेसिक से मुझे नहीं लगता किसी क्लास में देखा होगा, है ना। तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उद्देश्य ये है कि इससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं वो सभी बन जाए। नोट्स थोड़ा सा कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हम पहले इमेजेस पर बात करने वाले हैं और उत्तर भारत की नदियों की विशेषताओं को समझने वाले हैं, है ना। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूँ नदियों के विषय में, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए सर, एटलस का कौन सा पार्ट? अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी तो बेसिक चीज़ों को हमें समझना है। हमें समझना है नदी क्या होती है, बड़ी क्या, कौन सी नदी होती है, लंबी कौन सी नदी होती है, सहायक कौन सी नदी होती है, छोटी नदियां कौन सी होती हैं, रिवर बेसिन क्या होता है, ये बहुत से अभी हमें चीज़ों को समझना है, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें हम लोग सेशन को। आप लोगों ने लाइक और शेयर कर लिया, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, लिखना स्टार्ट करें। बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं इसको, एक सेकंड दीजिएगा बच्चों, बस मुझे एक सेकंड दे दीजिए थोड़ा सा। ओके, एक सेकंड, मुझे खाली पेज की जरूरत है, तो मैं दो तीन खाली पेज लगा लूं, ठीक है। ओके, डन डन, ठीक है, हाँ। चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो हम बात करने वाले हैं भारत की नदियों के विषय में, भारत की नदियां, इंडिया के रिवर सिस्टम को हम समझने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले एक एक शब्द समझ लीजिए, ताकि आगे मैं कोई शब्द यूज करूं तो आपके समझ में आए, और आपको सिर्फ समझ में ना आए बल्कि आप दूसरे को भी समझा सकें। तो सबसे पहले शब्द ये भी हमें जानना होगा कि आखिर नदी क्या होती है, नदी अर्थात रिवर क्या होती है, रिवर क्या होती है। तो देखिए जब जल किसी स्थान से निकलकर किसी स्थान से, है ना, स्थान से निकलकर गति करता हुआ दूरी तय करता है, कुछ दूरी तय करता है, तो उसे हम नदी कहते हैं। दूसरे शब्दों में बहते हुए जल को हम क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो रुका हुआ जल है हम उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। जैसे झील है, तालाब है, वहाँ का पानी रुका हुआ है, तो वह हमारे लिए रिवर नहीं है। रिवर का मतलब होता है कि कहीं से पानी निकले और दूसरे स्थान पर एक निश्चित दूरी तय करे। निश्चित दूरी का मतलब ये नहीं है कि 200, 500 किलोमीटर, हाँ, उसका एक प्रवाह होना चाहिए, एक कुछ मिनिमम दूरी वह तय करे, लगभग जैसे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर लंबी दूरी तय करे, जिससे एक लगे कि हाँ, यहाँ से नदी निकली और यहाँ तक आई, अर्थात जल बहता हुआ आया। अब देखिए, जब ये नदी है तो हमने कहा कहीं से निकलेगी, अर्थात प्रत्येक नदी का क्या होगा, कुछ उद्गम होगा। उद्गम का मतलब होता है कि ओरिजिन पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं से नदी क्या होगी, ओरिजिनेट होगी, अर्थात वहां से वह निकलेगी। अब जो उद्गम होगा वह क्या हो सकता है, वह सबसे पहले हो सकता है ग्लेशियर,
ग्लेशियर अर्थात जो हिमनद होते हैं, हिंदी में बोलते हैं हिमनद, तो ग्लेशियर क्या होता है, वह पिघलेगा और पिघलने से जल की प्राप्त होगी और वहां से जल क्या होगा, ग्लेशियर। ग्लेशियर कहां पर होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में। तो अब देखिए पर्वतीय क्षेत्र में जो ग्लेशियर हैं इनके पिघलने से जल की प्राप्ति होगी, क्या होगा, जल की प्राप्ति। और यह जो जल है यह क्या करेगा, ढाल के सहारे गति करेगा, और ढाल के सहारे जब गति करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका उद्गम। क्लियर, ये जो शब्द हैं इसलिए बता रहा हूं, कई बार आप इसमें बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। मेरा उद्देश्य आपका समय बर्बाद करना बिल्कुल नहीं है, मेरा उद्देश्य इस तरह से आपको नदियों को दिखाना है, है ना, कि एक एक नदी छप जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मैं वह बेसिक चीज़ें बता दूं जहां पर आप बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें पढ़ लेते हैं लेकिन छोटी बातों की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं होती। तो देखिए इसका उद्गम ग्लेशियर हो सकता है, इसका उद्गम कोई पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है, और पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र है लेकिन वहाँ पर हिमनद नहीं है तो यह हिमनद रहित अर्थात कोई ऐसा क्षेत्र जैसे अरावली है, अरावली से नदियां निकलती हैं लेकिन क्या वहां पर ग्लेशियर है, नहीं। तो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र भी हो सकता है, क्या होगा, यहां पर वर्षा का जल क्या होता है, पर्वतों की चट्टानों या फिर उसकी पर्वतों की मिट्टियों में क्या होता है, मिट्टियों में एकत्रित हो जाता है, और यहाँ पर एकत्रित होने के कारण धीरे धीरे जल रिसता है। जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था स्पंज लेते हैं, रसगुल्ला कोई ऐसे अगर चाशनी में से निकाल कर और बढ़िया से आपको प्लेट में सर्व कर दे तो क्या उसमें चाशनी आपको दिखती, नहीं दिखती। लेकिन उसको आप ऐसे रख दीजिए प्लेट में तो धीरे धीरे उससे चाशनी निकलेगी। ठीक इसी तरह से स्पंज आपने देखा होगा जो पानी सोखता है ना, उसको पानी में डाल दीजिए और वो फूल जाएगा। तो इतना बड़ा स्पंज है उसको डालेंगे इतना बड़ा रहेगा, और आप उसको निकाल लीजिए तो आपने जब डाला था बड़ा हल्का सा था और अब जब निकालें तो बड़ा भारी से, पानी उसमें दिख नहीं रहा है। लेकिन आप किसी जगह पर रख दीजिए उसमें से धीरे धीरे पानी क्या होगा, रिस के निकलेगा। ठीक ऐसा ही पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इसी से नदी का जो उद्गम होता है वह कोई झील हो सकता है। जैसे अभी हम लोग जब उत्तर भारत की नदियों को देखेंगे तो बहुत ऐसी बड़ी बड़ी झीलें मिलेंगे, जैसे मानसरोवर झील आपने सुना होगा। तो ऐसी झीलों से क्या होता है, जिसमें जल ज़्यादा रहता है वहाँ से भी नदियाँ क्या होती हैं, निकलते हैं। और कोई सोर्स हो सकता है, तो देखिए ग्लेशियर हो सकता है, पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है, और कोई झील हो सकता है। इस तरह से इसका उद्गम हुआ। अब जब इस नदी का उद्गम हुआ तो इसका क्या होगा, कोई निकास होगा। निकास का मतलब होता है एग्जिट पॉइंट। अब ये जो नदी का निकास है वह कोई सागर हो सकता है अर्थात कोई जलीय क्षेत्र हो सकता है, जैसे बे ऑफ बंगाल हो सकता है और अरब सागर हो सकता है ना, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर। तो ये कहाँ पर, किसी सागरी क्षेत्र में जो अपना जल गिराएंगे, और अधिकांश नदियाँ सामान्यतः किसी न किसी सागर में अपना जल गिराती हैं। लेकिन कभी कई बार इनका जो निकास है वो सागर तक नहीं हो पाता। तो ऐसी नदियों को अंतस्थ नदियाँ बोलते हैं, या फिर इनको है ना, जैसे अगर हम देखें राजस्थान में बहुत सी ऐसी नदियां मिलेंगी जो कि अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं, अपना जल जो है कि वह जो है कि राजस्थानी क्षेत्र में ही उनका जल समाप्त हो जाता है। स्वाभाविक है जल में अगर गति नहीं है, जल की मात्रा ज़्यादा नहीं है, तो जल गति करता हुआ थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ढाल समाप्त हो जाएगा, जल रुक जाएगा और वहीं से क्या हो जाएगा, बाष्पीकृत हो जाएगा। तो इसका कुछ निकास पॉइंट होगा। अब देखिए जब हमने ये देख लिया कि नदी क्या है, उसका उद्गम होता है, उसका निकास होता है, तो जो नदी है उसी के संदर्भ में आप सुनते हैं, एक होती है बड़ी नदी, एक होती है लंबी नदी, ठीक, एक होती है लंबी नदी, एक होती है मुख्य नदी, एक होता है आपका मुख्य नदी, एक होती है आपकी सहायक नदी, एक होती है सहायक नदी, ठीक, और एक शब्द होता है बितरिका,
एक शब्द होता है बितई का। क्या ये शब्द हमने सुना है? बड़ी नदी अर्थात जो है कि कौन सी, जो मेजर रिवर्स हम जिनको बोलते हैं बड़ी नदियां कौन सी होती हैं, लॉन्गेस्ट रिवर किसको हम बोलेंगे, है ना, मुख्य नदी मेन रिवर किसको बोलेंगे, है ना, हेल्पिंग रिवर किसको बोलेंगे, और इसकी इंग्लिश होती है ट्रिब्यूटरीज, इसको क्या कौन सी नदी बोलेंगे। देखिए तो ऐसी नदी, ऐसी नदी जिसकी या तो ध्यान दीजिएगा जिसकी या तो लंबाई ज्यादा हो या जिसकी जल धारण क्षमता ज्यादा हो, जिसकी जल धारण क्षमता क्या हो, ज्यादा दिख रहा है ना, जल धारण क्षमता ज्यादा हो। जैसे इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बड़ी नदी का, हम लोग एक नदी पढ़ते हैं अमेजन, तो अमेजन अगर हम देखें तो इसकी जल धारण क्षमता क्या है, ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस नदी का जो भाग है जिससे प्रवाहित होती है उसमें जल की मात्रा ज्यादा है, वो ज्यादा जल को लेकर कैरी करती है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अरे बड़ी नदी कौन सी है, किसको हम बड़ी नदी कहेंगे, तो देखिए बड़ी नदी जो होगी उसकी पहली जो पहचान होती है कि उसके यहां पर इसको रुकी और मैं इस लंबाई को हटा देते हैं, ठीक है, यहां पर और देखिए इसको कर देते हैं, जिस नदी के बेसिन में, अभी मैं बेसिन शब्द भी बताऊंगा, जिस नदी के बेसिन की जल धारण क्षमता क्या हो, अधिक हो। तो देखिए जल कोई भी आप एक टंकी लेते हैं तो 100 लीटर की टंकी हो सकती है, 500 लीटर की हो सकती है, 1000 लीटर की हो सकती है, है ना, तो जिसमें जल ज्यादा आ रहा है वो बड़ी टंकी हुई। ठीक इसी तरह से जो नदी, जो उसका भाग है जिससे होकर वह प्रवाहित हो रही है वह क्षेत्र, उसमें जब जल की मात्रा ज्यादा हो, जैसे आप दो नदियां देखते हैं, एक नदी जो है कि छिछली नदी होती है, गहराई नहीं होती, पानी थोड़ा सा होता फैल कर बहता, एक नदी चौड़ी भी होती है, ध्यान दीजिएगा चौड़ी भी होती है और गहरी भी होती है, तो उसकी जल धारण क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लंबी किसकी होती है, जिसकी लंबाई अधिक हो, जिसकी लंबाई क्या हो, अधिक हो। अब देखिए अब जब लंबाई क्या होगी, अधिक होगी, तो सामान्यतः पानी इसमें भी होगा, पानी इसमें भी होगा, और लेकिन पानी हो सकता है, देखिए कोई नदी इतनी बड़ी हो, एक लंबी नदी इतनी बड़ी हो सकती है, और एक नदी बस इतनी ही बड़ी है, इससे थोड़ी सी छोटी है, लेकिन हो सकता है जल धारण करने की क्षमता, इसमें जल की मात्रा क्या हो, ऊपर वाली नदी में ज्यादा हो, तो बड़ी नदी हो जाएगी। और लंबाई, लंबी नदी किसको बोलेंगे, जो स्वाभाविक है लंबाई जिसकी अधिक हो। अच्छा अब मुख्य नदी किसको बोलेंगे, मुख्य नदी तो कोई नदी जो या तो बड़ी है, ध्यान दीजिएगा कुछ बड़ी नदी है या फिर कोई लंबी नदी है, कोई बड़ी हो या कोई लंबी नदी हो, ये प्लस की जगह या लगा दीजिए, है ना, प्लस ये या कर दीजिए, तो या तो बड़ी हो या लंबी नदी हो उसको मुख्य नदी, मुख्य नदी किस में बोलेंगे, जैसे हम कहते हैं कि भाई यह मुख्य व्यक्ति हैं, जैसे आपके फ्रेंड सर्किल है और उस फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे लोग होंगे जो बड़ा आपको प्रिय होंगे, तो आप कहते हैं भाई हमारा सबसे बड़ा प्रिय दोस्त है। वो सबसे प्रिय क्यों है, क्योंकि कुछ चीज़ों में हम कंपेयर कर रहे हैं, कुछ लोगों में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से जब किसी क्षेत्र में, मान लेते हैं यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, है ना, इस क्षेत्र में बहुत सी नदियाँ हों, अब इस नदी में कोई नदी या तो बड़ी हो या लंबी हो, है ना, अर्थात उससे बड़ी कोई नदी नहीं उस क्षेत्र में होनी चाहिए या उससे लंबी कोई नदी नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न आएगा कि बड़ी और लंबी दोनों होंगी तो क्या होगा, ध्यान दीजिए अगर एक ऐसी कंडीशन है कि दो नदी हैं और उनकी सेम लंबाई है, है ना, तो फिर मुख्य नदी कौन सी होगी, मान लेते हैं ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो अब इसमें देखा जाएगा लंबाई सेम होने के साथ साथ जल किसमें ज्यादा है, तो इस तरह से क्या होगा, या तो बड़ी जो नदी होगी वही मुख्य नदी हो जाएगी या जो लंबी नदी होगी वही क्या हो जाएगी, मुख्य नदी हो जाएगी। तो मुख्य नदी से तात्पर्य है ना, नदियों में से उस नदी से है, है ना, जिसमें जो क्या हो, या तो बड़ी हो या फिर लंबी हो, अर्थात जिसके पास जल ज्यादा हो। अब देखिए सहायक नदी है, वह नदी जो अपना जल किसी दूसरी नदी में ले जाकर मिलाए, एक सेकेंड, तो वह नदी जो अपना जल किसी दूसरी नदी में
क्या करती है, गिराती है या मिलाती है, गिराती है या फिर मिलाती है, उसको क्या बोलते हैं, उस मुख्य नदी की सहायक नदी, उस वह क्या हो जाती है, मुख्य नदी की सहायक नदी। ठीक है, वह उस मुख्य नदी की सहायक नदी होती थी। जैसे यह कोई मुख्य नदी थी ए, ठीक, और इसमें कुछ नदियां आकर अपना क्या हो रही हैं, जल ये गिरा दे रही हैं, तो ये बी सी और डी क्या हुई, ये सहायक नदियां हुई। क्लियर। चल अब भी तरीका क्या होता है, कोई भी नदी जो सागर के पास पहुंचकर कई भागों में विभाजित हो जाती है, कई भागों में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बितरिका, उसको बितरिका बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यह नदी है और यह सागर के पास पहुंची, और सागर के पास पहुंचकर यह कुछ ब्रांचेस में डिवाइड हो गई ऐसे। अब ये ब्रांचेस में क्यों डिवाइड होती है, क्योंकि जब सागर के पास ये पहुंचती है तो उसकी जल गति क्या हो जाती है, जल की जो गति है वह कम हो जाती है। जल की गति क्यों कम हो जाती है, क्योंकि यहां पर जो ढाल है, भूमि का ढाल है, वो बहुत कम होता है, और इसके वजह से जल की गति क्या हो गई, कम हो गई, और इस तरह से नदी कई भागों में बढ़ जाती है। तो जब हम डेल्टाई क्षेत्र देखते हैं तो डेल्टाई क्षेत्रों में यह प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। तो अगर मैं अब किसी भी भारत की नदी को बड़ी, लंबी, मुख्य नदी, सहायक नदी या बितरिका शब्द से संबोधित करूंगा तो हमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, एक बार बता दीजिए, एक बार सब लोग बता दीजिए, सब लोग बताइए, सब लोग बताइए, प्लीज बताइए, प्लीज प्लीज प्लीज, कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना, कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं है। हम बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, कोई भी चैप्टर हो तो उसकी नींव बनाई जाती है। अब देखिए क्या होगा कि आज जो लोग क्लास में नहीं होंगे है ना, वो कल आएंगे, अब उनको बड़ा जब मैं कहूँगा ये इसकी सहायक है, ये इसकी बितरिका है, इसका उद्गम यहाँ पर, निकास यहाँ पर, अब उनके लिए थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत होगा। कूल स्टडी 2.0, मेरा भी सभी को, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा भी प्रणाम स्वीकार हो आपको। ठीक है, चले, तो ये हमने रिवर देखा। अब इसी में एक शब्द होता है नदी बेसिन, इसी में एक शब्द और समझिए, नदी बेसिन, और इसी के साथ एक और शब्द समझिए, नदी तंत्र, नदी तंत्र, इसको इंग्लिश में रिवर बेसिन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में रिवर बेसिन बोलते हैं, ठीक, और इसको रिवर सिस्टम बोलते हैं, इसको रिवर सिस्टम बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। अब कोई मुख्य, एक दिन कोई मुख्य नदी ठीक है, अपनी सहायक नदियों के साथ कोई मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ साथ जिस क्षेत्र का जल लेकर प्रवाहित होती है वह उस नदी का है ना, नदी बेसिन हो कहलाता है, नदी बेसिन या रिवर बेसिन कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं यह एक नदी है और यह नदी है ए, ए में ये नदी आकर मिली बी, ठीक, इधर से आकर मिली सी नदी, इधर से आकर मिली डी नदी, और डी नदी में भी इधर ए नदी मिल गई ई, इधर मिल गई एफ, इसमें आगे बढ़ी ये नदी थी जी, इसमें नदी मिल गई एच, ठीक, ये नदी हुई। अब ये जो मुख्य नदी है ये क्या कर रही है, यहाँ पर सागर में अपना जल गिरा रही है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ध्यान देना, ये जो पूरा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के जल को लेकर नदी आगे बढ़ रही है, ये क्या कहलाएगा, रिवर बेसिन, इसको क्या कहेंगे, रिवर बेसिन। क्लियर,
क्लियर, ठीक है। हाँ, ये इस एरिया नदी का क्या होगा, कैचमेंट एरिया होगा, रिवर बेसिन होगा। डन, क्लियर क्लियर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब देखो दूसरा, नदी तंत्र। नदी, ध्यान देना, नदी जो है प्रवाहित होते समय प्रवाहित, अच्छा ये इसको ऐसे कर दीजिए, प्रवाहित मत कीजिए, नदी की जो गति होती है ना, नदी की जो गति या जो प्रवाह होता है, प्रवाह होता है वो सामान्यतः ढाल का अनुसरण करता है। वह क्या होता है, ढाल का अनुसरण करता है। और अनुसरण करने का मतलब ये है कि नदी कहीं से निकलेगी, जैसा कि अभी हमने बताया उसका उद्गम होगा, कहीं उसका निकास होगा। अब नदी की गति और प्रवाह जब ढाल का अनुसरण करेगा, मान लेते हैं ये एक नदी है, तो इस नदी पर, इस नदी में एक निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान पर, कुछ नदियां आकर, कुछ नदियां आकर अपना जल मिलाएंगे, अपना जल मिलाएंगे। और साथ ही साथ इसमें जो जल की मात्रा होगी, जल की जो मात्रा होगी वह भी क्या होगी, लगभग 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 निश्चित होगी। तो इस तंत्र को बोलेंगे रिवर सिस्टम। इसको कैसे समझें, यह एक नदी है और इसका ढाल इधर है, तो जो भी नदी आकर इससे मिलेगी वो कहो क्या होगी, इसके ढाल के सहारे आगे बढ़ेगी। अब दूसरी, अब यहीं पर ये नदी क्यों मिलेगी, क्योंकि यहां पर नदी ने क्या किया होगा, अपने लिए ढाल बनाया होगा, रास्ता बनाया होगा। यह नदी चाहे तो क्या ऐसे जाकर ये ऐसे मिल सकती है, कभी भी नहीं मिल सकती, ढाल को तोड़ते हुए अलग जाकर नदी नहीं मिल सकती। तो जैसे हम कहें एक क्लास है, इस क्लास के लिए एक सिस्टम की जरूरत है। किस सिस्टम की जरूरत है, कि सामने जो ये कैमरा रखा हुआ है ये चालू हो, इंटरनेट चालू हो, बिजली मिले और मैं इस पर लिख सकूं, मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर पहुंच सके और आप क्या कर सकें, उसको सुन सके, देख सकें, एक पूरा सिस्टम है। अब इस पूरे सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कैमरा बंद कर दूं और मैं पढ़ाने लगूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो नदी है वह जो भी रिवर बेसिन बना है वो एक सिस्टम से बना है। हर नदी का अपना एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब है कि जो मुख्य नदी है उसको जल कहीं से मिल रहा है, जल मिलता रहेगा। उसकी जो सहायक नदियां हैं जहां पर अभी उससे मिल रही हैं, उसके थोड़ा सा दाएं बाएं वहीं पर मिलती रहेंगी, अर्थात जो नदियां मिल रही हैं वो मिलती रहेंगी। उनमें जो जल है वो बरसात के मौसम में कुछ और होता होगा, गर्मी के मौसम में कुछ जल की मात्रा कुछ और होती होगी, ठंडी के समय में कुछ जल की मात्रा और होती होगी। तो इस तरह से जो भी एक मुख्य नदी है उस मुख्य नदी में जो सहायक नदियां और सहायक की भी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, जो अपना जल गिराती हैं, जल की मात्रा जो समय के अनुसार अलग अलग होती है, यह पूरा एक सिस्टम के रूप में काम करता है और इसी को बोलते हैं रिवर सिस्टम। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, तो मैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ कि सिंधु मुख्य नदी है और उसकी सहायक कुछ अन्य नदियाँ हैं, वह नदियाँ जो सहायक नदियाँ हैं वह एक निश्चित स्थान पर यहाँ इसमें लाकर अपना जल गिराती हैं और यह जो नदी है उन सभी के जल को लेकर आगे बढ़ती है। बढ़ने के क्रम में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नदियाँ मिलती हैं, उनकी जल की मात्रा अलग अलग होती है और बरसात के समय में जल की मात्रा कुछ और होगी, ठंडी के समय कुछ और होगी, क्योंकि जो जल की का संबंध है वह है जल की उपलब्धता से। और जल की उपलब्धता भी एक सिस्टम के अनुसार, वर्षा जब ज्यादा होगा तो जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जब ग्लेशियर तेजी से मेल्ट होगा तो जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, ग्लेशियर नहीं मेल्ट होगा और जो है कि वर्षा नहीं होगी तो जल की मात्रा कम हो जाएगी। तो यह क्या होगा, यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों का एक तंत्र बना। इसी तरह से जब मैं कहूं कि गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, तो इसका मतलब है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ तंत्र। एक सेकंड, आप देखिए, ये देखिए,
जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं फिर से बताऊं कि रोशन लाल जी ने बनाया है, आप ही में से स्टूडेंट हैं वो भी, तो सिंधु नदी तंत्र। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंधु नदी तंत्र का एक सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या है कि कहीं से कोई नदी निकल रही है, देखिए जैसे ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी क्या कर रही है, निकल कर आगे की ओर बढ़ रही है। और देख सकते हैं यहाँ पर ये रही सिंधु नदी, ठीक। अब इसमें कई जो निश्चित जगह है, वही मतलब जो जगह है वहीं पर आकर नदी मिलेगी। क्यों ऐसा नहीं कर सकते हम श्योक को यहाँ पर लाकर नहीं मिला सकते, श्योक यहीं पर मिलेगी। यह जो गिलगित नदी है, गिलगित नदी को मैं यहाँ पर लाकर नहीं मिला सकता, क्योंकि एक सिस्टम के तहत नदियाँ जुड़ी हुई हैं। जैसे आप किसी, आपका परिवार है और परिवार का एक सिस्टम है कि दादाजी या नाना जी जो हैं वो क्या है, बुजुर्ग हैं, उनकी बात सबसे पहले सुनी जाएगी, फिर पिताजी की, फिर माता जी की, है ना, आपकी बात को कोई सुनता नहीं, सिस्टम है। इस सिस्टम में अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि सभी लोग आपकी बात मानने लगे, तो क्या हो जाएगा, आप उस बात मनवाने की प्रक्रिया में ऊपर आ जाएंगे। जब तक नहीं है तब तक आपको इसी सिस्टम को फॉलो करना होगा। आप भी देखिए, आप जब सेलेक्ट होंगे, जैसे मान लेते हैं आप आईएएस बने, है ना, आईएएस में आपका सिलेक्शन हुआ, तो पहले आपको मसूरी में ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आपको क्या किया जाएगा, फील्ड वर्क के लिए भेजा जाएगा, फिर आपकी जो है कि आपको पोस्ट दी जाएगी, तो सबसे पहले आपको एसडीएम बनाया जाएगा। एसडीएम बनेंगे कुछ समय तक एसडीएम के पद पर कार्य करके देखेंगे डीएम के साथ कि कैसे क्या कार्य होता है, फील्ड वर्क क्या होता है, फिर एडीएम बनेंगे, फिर आप डीएम बन जाएंगे। ठीक इसी तरह से जब आप आईपीएस के लिए सेलेक्ट होंगे तो आप एसपी बनेंगे, फिर आगे चल के एसएसपी और फिर डीआईजी आईजी वगैरह पोस्ट वगैरह आप बढ़ते हैं। एक सिस्टम है ना, उसी सिस्टम के अनुसार आप बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से नदियां का भी है। तो देखो सिंधु नदी तंत्र, आप देख सकते हैं ये सिंधु नदी तंत्र है, और इसी, देखो ध्यान दीजिएगा, ये तंत्र एक ही जैसा होगा। इसको बनाया है रोशनलाल जी ने, और इसको अभी मैंने आपको नाम बताया था, नीलू यादव जी ने बनाया। अब देखिए इन्होंने भी यही किया है, मानसरोवर झील के पास से ही नदी को निकाला, आगे की ओर बढ़ाया, और देख सकते हैं यहीं पर, अर्थात जो भी नदी तंत्र है वो एक जैसा ही होगा। अच्छा यहां पर हो गया, रुकिए एक सेकंड, अब हमें इसी तरह से सभी नदी तंत्रों को देखना है, एक सेकंड, हाँ यहां पर। तो अच्छा ये है हमारा, ये है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ठीक है, ये देखिए ये है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। इसको मैं और जूम करूंगा, और बड़ा करूंगा, आसानी से दिखेगा। ये ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ये है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, गंगा जब तक पर्वतीय क्षेत्र में है तब तक ये इस रूप में हमें दिखेगी, अर्थात उसकी ब्रांचेस दिखेंगे, ये गंगा नदी तंत्र। आगे की ओर बढ़ेंगे, देखिए तो गंगा नदी तंत्र जब मैदानी क्षेत्र में आ जाता है तो आपको इस रूप में देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर क्या हुआ, मैदानी क्षेत्र में नदी प्रवेश कर गई है, और जब तक ये जाकर पश्चिम बंगाल से होते हुए अपना जल जो है कि कहां पर बांग्लादेश से होते हुए नहीं गिरा देगी, तब तक इस नदी को देख सकते हैं आगे बढ़ाएगा। और हर नदी एक निश्चित स्थान पर बढ़ी है, सिंधु नदी तंत्र हमने बताया। इसी तरह से हाँ नीलू यादव जी का भी देख लीजिए, इन्होंने भी इसी तरह से बनाया हुआ कि यहां पर एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से होते हुए यहां पर क्या होगा, एक नदी आगे बढ़ेगी, और ये नदी जो है इसी को बोलते हैं सांगपो नदी। और इस सांगपो नदी किस तरह से आगे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्र के रूप में जानी जाती है, और इसमें कौन सी नदी कहां मिलती है, इसको देख लीजिए। इन्होंने भी सिंधु नदी तंत्र को दिखाया, इन्होंने भी गंगा नदी तंत्र का पर्वतीय क्षेत्र का दिखाया हुआ है। इस तरह से मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको भी इसी तरह से नोट्स बनाना है। बस एक बार देखो, मैं अगर ये नहीं दिखाता और आपको कहता कि आप ऐसा बनाइए, तो आप में आलस आ सकता था कि पता नहीं कोई बनाता होगा कि नहीं बनाता होगा, हम मेहनत करें। इसीलिए हमने कल जो है कि ऐसा नहीं, दो ही लोग, मेरे पास 25 लोगों ने बनाकर ये भेजा हुआ है। तो मैं यही चाहता हूं कि अब मेरे साथ क्या करें, अब हम स्टार्ट करते हैं मैपिंग करना और इस तरह का इमेज बनाना। आप भी मेरे साथ बनाएं, जो समझाने वाली चीज़ें थी अभी तक का वो हमने आपको क्या किया, यहाँ पर बता दिया नदियों के विषय में, ये जो जानकारी थी बेसिक ये हमने बता दिया आपको। अब हम क्या करेंगे, जो भी शब्द हमें यूज करना है वो चीज़ें हो चुकी हैं, हम यहाँ पर आकर अब क्या करते हैं, नदियों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर, स्टार्ट किया जाए। अब कुछ लोग कहेंगे सर अब तक क्या कर रहे थे, मतलब इमेज बनाना स्टार्ट किया जाए, आप भी इमेज, आपको भी बनाना है ना, आपको भी तो बनाना है सर। दोनों में अंतर क्या, कुछ भी अंतर नहीं है, सिस्टम कभी थोड़ी चेंज हो जाता। सिंधु नदी तंत्र आप बनाएंगे आपका भी इसी तरह से बनेगा, बस हमने दो लोगों से इसलिए बनवाया है ताकि आपको भरोसा हो जाए कि आप भी बना सकते हो,
आप भी बना, मान लो दो लोगों से नहीं सिर्फ एक लोगों से बनवा के मैं लाता और मैं कहता देखो देखिए ये मैंने बनाया है या इस इन्होंने बनाया है, किसी स्टूडेंट का मैं नाम लेता, आपको लगता पता नहीं बनाया भी है कि नहीं बनाया। इसीलिए मैं नाम के साथ दोनों लोगों का बता रहा हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए कि आप भी ऐसे ही बना लीजिए। और जिन लोगों ने बनाया है इनको कभी भी रिवर्स सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऐसा नहीं लगा कि दो तीन घंटे लग रहे हैं ना, एक नदी तंत्र को बनाने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट का समय। तो देखिए हमारे पास कितने नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, दक्षिण की ओर देख लें कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, बस इतने नदी तंत्रों को अगर हम बना लें तो इससे जितने प्रश्न बनते हैं रिवर से सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से एक बार हम मेहनत करेंगे सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, साफ नहीं दिख रहा, दिखेगा दिखेगा, हम दिखाएंगे निश्चिंत रहिए, साफ बिल्कुल साफ दिखेगा निश्चिंत रहिए। आप लोग सेशन को लाइक और शेयर नहीं करते हैं ना, बताओ इतनी मेहनत की जा रही है, इतनी मेहनत की जा रही है फिर भी आप लोग सेशन को ना तो लाइक करते हो ना शेयर करते हो। कितने देर से, लगभग आधे घंटे से, लगभग आधे घंटे से 400 लोग बने हुए हैं और अभी लाइक की संख्या 362 है। इससे समझ सकते हैं कि आपका मित्रता निभाने का तरीका क्या है। ऐसा मत कीजिए सेशन को, अगर मेहनत लगती है तो, अगर लगता है कि नहीं वास्तव में जनरली मेहनत हुई है तो ठीक है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को हम देख लेते हैं, यहाँ तक की चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे एक एक नदी तंत्र को लेंगे। तो जो हमारा देश है भारत है ना, इसको नदियों का देश बोला जाता है। नदियों का देश इसलिए बोला जाता है कि ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, नदियों का देश इस वजह से बोला जाता है कि कुछ सोर्सेस में आप देखेंगे कहा जाता है कि भारत में 2000 से ज़्यादा नदियां हैं, और कुछ किताबों में लिखा होगा कि छोटी और बड़ी नदियों को मिलाकर भारत में 4000 से नदी अधिक नदियां, तो इसको नदियों का देश बोला जाता है। लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा, नदियों का देश इसको इस कारण भी बोलते हैं क्योंकि नदियों के उद्गम होने के लिए, ध्यान एक सेकंड, भारत में नदियों के उद्गम के लिए, उद्गम के लिए जो दशाएं हैं वो काफ़ी अनुकूल हैं। दशाएं क्या हैं, अनुकूल हैं। अब प्रश्न आएगा कि नदियों के उद्गम के लिए अनुकूल दशा का क्या मतलब है। तो देखिए अनुकूल दशाओं का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर बड़े क्षेत्र में ग्लेशियर भी पाया जाता है, पाया जाता है कि नहीं, हमारे यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या होती है वर्षा भी होती है, हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में झीलें भी क्या होती हैं पाई जाती हैं, हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में क्या होता है पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र भी पाए जाते हैं, पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र भी पाए जाते हैं, और हमारे यहाँ की जो भूमि है, हमारे यहाँ की जो भूमि है वो क्या है ढालदार भी है। अब ढालदार होने से क्या होता है कि कहीं पर जो जल निकलता है वो एकत्रित नहीं हो पाता। अगर ढालदार भूमि ना होती तो जल एक जगह पर एकत्रित हो जाता, हम उसको नदी नहीं कहते। तो इन सब कारणों से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की नदियाँ देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर भारत की जो जलवायु है, भारत की जो जलवायु है और भारत की जो स्थलाकृति है, स्थलाकृति है वह क्या करती है नदियों के उद्गम के लिए एक आधार प्रदान करती है और यहाँ से बड़ी मात्रा में नदियाँ निकलती हैं। जितनी चीज़ें अभी मैंने बताया है, जितनी चीज़ें अब बता रहा हूँ, चार किताब लेकर बैठना और इतनी चीज़ें मिल जाएं तो मुझे बता देना, चार किताब लेकर बैठना, दो तीन क्लासेस भी आप देख लेना तब भी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जितनी बेसिक से और जितने एडवांस लेवल तक आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, भारत में नदियों का जो विभाजन है वह उद्गम और विसर्जन के आधार पर किया जाता है। इसका क्या मतलब, उद्गम का मतलब क्या होता है जहां से नदी निकल रही। तो भारत में अगर हम नदी को देखें तो दो क्षेत्रों से निकलती है, अगर वह हिमालय क्षेत्र उसके पास वाले क्षेत्रों से निकलती है तो उसको हम हिमालयी नदी कहते हैं, ठीक है, और अगर नदी प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलती है तो उसको हम प्रायद्वीपीय नदी बोलेंगे। ये किसके आधार पर, उद्गम के आधार पर, विसर्जन के आधार पर अर्थात निकास, एग्जिट पॉइंट। तो एग्जिट पॉइंट नदी कहाँ करेगी, या तो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में। तो वही चीज़ लिखा है कि उद्गम के आधार पर नदियों का विभाजन हम हिमालय की नदियों के रूप में और प्रायद्वीपीय नदियों के रूप में करते हैं, वहीं नदियों के गिरने अर्थात एग्जिट पॉइंट के आधार पर हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, अरब सागर की नदियां और बंगाल की खाड़ी की नदियां। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिमालय नदी तंत्र लेंगे, हिमालय अपवाह तंत्र लेंगे, और हिमालय अपवाह तंत्र को लेकर
हम क्या करेंगे, एक एक नदी तंत्र को समझेंगे। तो सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हिमालय अपवाह तंत्र में ये जो हमने नदियों के तंत्र बताए हैं, इन नदियों पर आए उससे पहले हिमालय से निकलने वाली नदियों की कुछ कॉमन विशेषताएं समझ लीजिए, क्योंकि हमें इन विशेषताओं का यूज इन नदी तंत्रों में करना है, ठीक है। तो उत्तर भारत की नदियों का जो उद्गम है वह हिमालय और उसके समीपवर्ती क्षेत्र से हुआ है। अब प्रश्न आएगा समीपवर्ती क्षेत्र क्या है। अब देखिए, ये रहा हमारा हिमालय पर्वत। अब इस हिमालय पर्वत में हम देखते हैं तो ये किसके लिए जाना जाता है, ये ग्लेशियर के लिए जाना जाता है। ये जो हिमालय क्षेत्र है ये किसके लिए जाना जाता है, ग्लेशियर के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये ग्लेशियर के लिए जाना जाता है, ये झीलों के लिए भी जाना जाता है, ये किसके लिए जाना जाता है, यह जलप्रपात के लिए भी जाना जाता है, है ना। और ये हिमालय क्षेत्र का जो दक्षिणी भाग है ये वर्षा के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये क्या होती है, अनुकूल कंडीशन होती है। लेकिन इसी हिमालय क्षेत्र में आप बहुत से ऐसे भाग देखेंगे जो पठार के रूप में होंगे, पठार के रूप में। तो हिमालय के उत्तर और दक्षिण में या हिमालय के मध्यवर्ती भाग में, जैसे ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में, या फिर जो हमारा ट्रांस हिमालय है और ग्रेटर हिमालय के बीच का जो पठारी क्षेत्र है, उन पठारी क्षेत्रों से कई नदियाँ क्या होंगी, निकलेंगे। तो इसीलिए लिखा है कि उत्तर भारत की नदियों का उद्गम हिमालय और उसके समीपवर्ती क्षेत्र से। तो समीपवर्ती क्षेत्र से तात्पर्य यहाँ पर स्थित पठारी क्षेत्रों से है, उन उच्च भूमियों से है जहाँ पर ग्लेशियर तो नहीं है लेकिन झील है या जल का कोई और सोर्स है, ठीक है। हिमालय नदियों के बेसिन दक्षिण भारत की नदियों से बहुत बड़े हैं, अर्थात यहाँ पर जो हम नदियों को देखेंगे, चाहे हम सिंधु नदी बेसिन को देख लें, गंगा नदी बेसिन, अच्छा नंदी बेसिन। अब देखो, ये जो नदी बेसिन मैंने आपको समझा दिया तो अब क्लियर हो रहा होगा ना, अब तो नहीं हो रहा होगा कि नदी बेसिन बड़ा छोटे का मतलब क्या है। बेसिन समझा दिया इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बताया। तो यहाँ पर लिखा है कि हिमालय नदियों का बेसिन दक्षिण भारत की नदियों के बेसिन से बड़ा, रिवर बेसिन से बड़ा। अब यहाँ पर देखेंगे गंगा नदी तंत्र इतनी बड़ी, आप ब्रह्मपुत्र नदी देखेंगे इतनी बड़ी क्षेत्र में, और सिंधु नदी तंत्र इतना। वहीं पर आप देखेंगे तो गोदावरी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है, ऐसी स्टार्ट हुई और ले जाकर क्या होती है, अपना जल गिरा देती है। तो यहां पर नदियों की लंबाई भी कम है और उनमें मिलने वाली सहायक नदियों की संख्या भी क्या है, कम है, और जल की मात्रा भी इसी के कारण हमें क्या होगी, कम देखने को मिले। वहीं उत्तर भारत की नदियों की लंबाई ज्यादा है, सहायक नदियों की संख्या ज्यादा है, जल की मात्रा ज्यादा है, प्रवाह क्षेत्र भी क्या है, बड़ा है, इसीलिए यहां की नदियों का रिवर्वेशन क्या किया जा रहा है, बड़ा बताया जा रहा है। ठीक है, चलो। हिमालय की नदियाँ सदा नीरा हैं। अब देखिए, सदा नीरा का मतलब होता है ऐसी नदियाँ जिसमें जल जो है कि हमेशा मिले, है ना, हमेशा जल मिले। हमेशा जल कैसे मिलेगा, वर्षा तो हमेशा होती नहीं। भारत में अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नदी के ओरिजिन होने के लिए, उसके उद्गम होने के लिए वर्षा की ज़रूरत है, तो भारत में तो वर्षा एक जो है कि वर्ष भर होती नहीं है, है ना, एक मानसून के समय होती है, मानसून से पहले और बाद में भी होती है, लेकिन वो सीमित क्षेत्र में होती है। तो नदी का जो उद्गम होगा, है ना, हिमालय की जो नदियां हैं वह सदा नीरा क्यों है, क्योंकि यहां पर नदियां क्या हैं, ग्लेशियर, ये क्या है, ग्लेशियर वाला। और ग्लेशियर क्या होता है, ठंडी में भी पिघलेगा और गर्मी में भी पिघलेगा। हाँ, गर्मी में पिघलने की रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी, और गर्मी के समय हिमालय क्षेत्र में वर्षा भी खूब होता है। तो ये देखिए, जो वर्षा जब होता है तो गर्मी के समय नदियों में जल की मात्रा भी बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही साथ जब ये वर्षा होती है ना, तो वर्षा का जो जल है ये पर्वतों की मिट्टियों के कणों के बीच में चला जाता है। तो जब आप देखेंगे वर्षा नहीं हो रही, अभी आप चले जाएँ हिमालय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में आप जाएंगे पर्वतों में देखेंगे छोटी छोटी सी धाराएँ आपको निकलती हुई दिखाई दे। ये छोटे छोटे से झरने, ये छोटी छोटी सी जो धाराएं हैं, ये कैसे निकल रही हैं? ये निकल रही हैं उस पर्वत के अंदर जो जल है, वो जल रिस रिस कर बाहर आता है। जो मैंने आपको स्पंज का एग्जांपल दिया, रसगुल्ला स्पंज याद है ना, अभी कुछ देर पहले ही बताया था। तो हिमालय की नदियां सदा नीरा हैं क्योंकि इनको हिम और वर्षा का जल जो है कि अधिक प्राप्त होता है। हिमालय की नदियां युवावस्था में, इसका क्या मतलब हुआ, युवावस्था का मतलब क्या होता है, प्रगति, विकास, कार्य, है ना, मतलब जो आप करना चाहते हो खूब एनर्जी से करोगे। जैसे आप लोग युवावस्था में है कि नहीं, युवावस्था में, युवावस्था में नहीं होते तो क्लास में कैसे आते। और अभी देखो, कुछ लोग क्या होंगे, कम उम्र के होकर भी बूढ़े हो जाते हैं, इसका मैं क्या मतलब हुआ। अभी जब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि भैया मेरे साथ ये नदी बनाओ,
इस तरह से बनाओ। अब उनका दिमाग चकरा जाएगा, पता नहीं कौन सी लकीर कहाँ खींचनी है, जबकि मैं एक एक लकीर खींचूंगा, मैं बताऊंगा, मेरे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसी में क्या होगा, कुछ लोग डर जाएंगे। क्यों डर जाएंगे? क्योंकि वह शरीर से तो युवा है, दिमाग उनका बूढ़ा हो चुका है, मेहनती नहीं है। युवा लोग क्या होते हैं? ऊर्जावान होते हैं, और ऊर्जावान होने का मतलब है कि जो काम दिया जाएगा, जो उनको जरूरी लगे उसको जरूर करें। ऐसी यहाँ की नदियाँ जब बहती हैं कल कल करती हुई तीव्र गति के साथ, जो भी उनके मार्ग में आता है उसको काट देती हैं। नदी का क्या है, जैसे आप ही हो, युवा हो, तो आपसे क्यों कहा जाता है कि आपके मार्ग में कोई अवरोध आ ही नहीं सकता, कोई आपको रोक ही नहीं सकता, आपको रोकने का प्रयास कोई कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? आपके अंदर क्या है, क्षमता है ना। आप हर बाधा को, हर मुश्किल को तोड़कर फोड़कर आगे बढ़ोगे। इसी तरह से नदी युवावस्था में जा रही है, उसको देखा आगे एक ऊंचा भाग है, नदी कहती है अच्छा हमको उधर जाना है, ऊंचा भाग कहता नहीं हमारे ऊपर से होकर जाना होगा। नदी आरी की तरह काम करती है, आरी की तरह उसको काट देती है और कहती है दोबारा मत बोल देना, हमें जाना है तो जाना है। अब गंगा नदी ने सोच रखा है कि उसको बंगाल की खाड़ी से मिलना है, सिंधु नदी तंत्र ने सोच रखा है कि उसको अरब सागर से मिलना है, ब्रह्मपुत्र नदी ने सोच रखा है कि बांग्लादेश से होते हुए वो कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी, तो गिराएगी। अब उसमें के बीच में पर्वत आ जाए, पठार आ जाए, कुछ भी आ जाए, सबको काट दे। क्यों? क्योंकि अभी एनर्जी। और जब नदी बूढ़ी हो जाती है, थक जाती है, तो फिर कहती है वो अरे छोड़ो, जो होगा सो देखा जाएगा। कोई ऊंचा भाग मिला, रास्ता बदल के क्या हुई, निकल गई। और रास्ता बदल कर निकल जाएगी तो इसका मतलब क्या है, उसके पास एनर्जी की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। तो हिमालय की जो नदियां हैं वो युवावस्था में है और निरंतर अपरदन कर, अपरदन का मतलब होता है कटाव की क्रिया करना। नदियों के अपरदन से प्राप्त जो मिट्टी है, इसी मिट्टी से मैंने आपको बताया था ये मैदानी क्षेत्र बना है। अर्थात युवावस्था में ज्यादा अपरदन करती हैं, ज्यादा सेडिमेंट लाती हैं, इसी की वजह से क्या हुआ, ये बना हुआ। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण इसी प्रकार की मतलब अवस्था से हुआ, ये सब हो गया। हमने ये भी बताया था ये जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर नदियां कई तरह की आकृतियों का निर्माण करेंगे, ठीक है। इस सब तो मैं आपको बता चुका हूं। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो हिमालय क्षेत्र है यहां की नदियां पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों रूप में मिलेंगे। पूर्ववर्ती का मतलब है कि जैसे पूर्व की कंडीशन में ही फ्लो होना, जैसे आप पहले इस रास्ते से जाते थे, बीच में क्या हुआ, यह भाग ऊपर उठ गया, आपने कहा कोई बात नहीं, आपने क्या किया, उसको काटना चालू कर दिया, अपना रास्ता बना लिया। अर्थात आप जिधर से पहले जा रहे थे उसी रास्ते में अभी भी बढ़ते रहेंगे, तो इस चीज को क्या बोलता है, पूर्ववर्ती कंडीशन। ठीक इसी तरह से जो नदियां पहले जिस रास्ते में चल रही थी, वह अपने मार्ग में आए हुए चीजों को, जैसे सिंधु नदी तंत्र हम देखेंगे हिमालय को काट देता है, सतलज भी हिमालय को काटता है, ब्रह्मपुत्र भी हिमालय को काटकर रास्ता बनाता है। अर्थात जिधर से वो प्रवाहित हो रही है, अभी भी प्रवाहित होती थी उसी रास्ते से अभी भी प्रवाहित हो रही है, भले ही उनके मार्ग में कोई अवरोध हो जाए। अनुवर्ती कौन सी, ऐसी नदियां जो हमेशा ढाल का अनुसरण करेंगे। मान लो यहां पर जो है कि क्या है, नदी अभी इधर से जा रही है, आप यहां पर किसी भी तरह से यहां पर ज्यादा सेडिमेंटेशन कर दो, इसको ऊंचा कर दो, नदी अपना रास्ता क्या होगी, बदल लेगी। तो ये अनुवर्ती नदियां, अर्थात जो हिमालय क्षेत्र हैं वहां पर पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों नदियां आपको देखने को मिलेंगे। अब सब लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, सब लोग कॉपी और पेन निकालिए, कॉपी और पेन निकालिए सब लोग। कॉपी और पेन निकाले सब। ठीक, कुछ बड़ा हुआ, कुछ बड़ा हुआ कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा ना, अब थोड़ा सा बड़ा हुआ, सब लोग देखे, कॉपी पेन निकालिए, थोड़ा सा बड़ा हुआ। एक लोग लिख रहे हैं, सर आप ज्योग्राफी को हमारे ब्लड में मिक्स कर रहे हैं, कभी भी लाइफ में कॉन्सेप्ट नहीं बोलेंगे। मैं यही चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं, मेरा काम क्या है, मेरी जिम्मेदारी यही है ना, जो आप लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी, भाई अच्छे से पढ़ाओ, तो भाई अच्छे से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो मेरा प्रयास यही है कि अच्छे से पढ़ाएं,
कभी भी जल्दीबाजी हमारे क्लास में नहीं होते। आप में से बहुत से लोग तो 5 मिनट के वीडियो के लिए, मतलब उनको लगता है सर ये रिवर 1 घंटे में मैंने देखा, सर 2 घंटे में भारत की सभी नदियाँ, मैंने कि बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। वो 2 घंटे आप 10 बार देखना तब भी आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होगा। और हम कहते हैं हमारी नदियों को इस तरह से 10 घंटे में पढ़ लेना, लेकिन दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर निकाल लिया आप सब लोगों ने? थैंक यू सो मच। सेशन को शेयर कर लो। आप सभी महान भाइयों और बहनों से इस छोटे से आदमी की हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है, सेशन को शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक आप पेन ले लीजिए, एक प्लेन पेपर ले लीजिए। प्लेन पेपर ना हो, लाइन वाला हो तो अभी यूज कर लीजिए, लेकिन एक बार और मेहनत कर लीजिएगा, ठीक है? तो मान लेते हैं आपके पास एस एक्स एक हो, आपके पास इस तरह का एक प्लेन पेपर है, ठीक? इस तरह का मान लेते हैं आपके पास एक प्लेन पेपर है, तो बस उस तरह जिस तरह से मैं एक लकीर खींचूंगा उसी तरह से लकीर आपको खींचते हुए चलना। अब यहां पर मान लेते हैं एक ऐसा पॉइंट बनाइए, सब लोग पॉइंट बनाइए। देखो चाहने के लिए तो मैं आपको यह भी दे सकता हूं ना, अगर मैं आपसे मेहनत ना करवाना चाहूं तो आप में से ही जो रोशन लाल जी हैं उन्होंने भेजा है, नीलू यादव जी ने भेजा है, 25 बच्चों ने और भेजा है, तो मैं चाहूं तो आपको ये दे सकता हूं, लेकिन दूंगा नहीं। इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपके भले के लिए सोचता हूं। ये जो बच्चे हैं जिन्होंने एक बार बना लिया है, ये दरअसल पेज पर लकीर नहीं खींच रहे हैं, अपने दिमाग पर लकीर खींच रहे हैं। आप भी इसी तरह से ये जो लकीरें खींच रहे हैं, इसी तरह से जो लकीरें खींची गई हैं उसको देखिए। तो यहां पर आपने एक पेज पर एक स्थान पर देखो, ऊपर से थोड़ा सा जगह छोड़ देना, नीचे से थोड़ा सा जगह छोड़ देना, यहां से देख सकते हैं इतना जगह छोड़ा गया और यहां से बहुत जगह छोड़ा गया, और एकदम पश्चिम की तरफ से यहां पर एक पॉइंट बनाइए और इस पॉइंट का नाम लिख दीजिए मानसरोवर झील। मानसरोवर झील बनाइए सब लोग, मानसरोवर झील लिखिए। क्लियर? अच्छा अब देखिए, अब मानसरोवर झील से यहां से एक नदी, पहले मुख्य नदी निकालिएगा, एक नदी को पहले देखो ऐसे थोड़ा सा ऊपर की ओर। अच्छा आपका ज्यादा ऊपर हो जाए नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। ऐसे एक नदी को ऐसे, ये देख रहे हैं थोड़ा सा गुंबद जैसी संरचना बन रही है क्या? यहां तक गुंबद जैसी संरचना बनी, ध्यान दो, क्या यहां पर जो मैंने लकीर खींचा क्या ये गुंबद जैसी संरचना नहीं बन रही है? क्या गुंबद जैसी संरचना? बिल्कुल हूबहू ऐसा नहीं बनाना है, हूबहू ऐसा नहीं बनाना है, बस कुछ कुछ ऐसा बनाना है, कुछ कुछ ऐसा बनाना है, ठीक? क्योंकि ये नहीं पूछेगा कि कहां पर थोड़ा सा आगे बढ़कर कहां पर राइट मूर्ति, कहां पर लेफ्ट मूर्ति, नहीं ऐसा नहीं पूछेगा। इसकी जो पूछेगा वो मैं बताऊंगा। तो देखो क्या यहां तक एक गुंबद जैसी संरचना हमने बना ली, एक नदी मुख्य नदी यही है सिंधु नदी, ये गुंबद जैसी संरचना बना ली, और गुंबद जैसी संरचना को आप क्या कर दीजिए, डाउन कर दीजिए यहां पर, बस एक गुंबद जैसी संरचना बना लिया आपने। अब ये देखो ये जो मैंने लकीर रेड कलर में खींचा गुंबद जैसी संरचना में, यही है आपकी सिंधु नदी, यही क्या है सिंधु नदी, तो यहां पर लिख दीजिए सिंधु नदी, और ये आपने मानसरोवर झील। देखो आपका भी ऐसे ही एटलस तैयार, ऐसे ही इमेज तैयार होने जा रहा है। चलिए क्लियर, ये लकीर खींच लिया आपने। देखिए तो मानसरोवर झील से आपने इस डायरेक्शन में होते हुए एक नदी को ऐसे पास किया, आगे बढ़ा। अब देखिए जब ये नदी आपने ऐसे बना दी तो थोड़ा सा इधर की आइए, और जहां पर इसका पीक पॉइंट है ना, देख रहे हैं ऊंचा वाला भाग है, उससे पहले ही ध्यान दीजिए कैसे लोकेशन कैसे सर्च करना है, देखना है। तो
ये सिंधु नदी निकली और इसका ये ऊपरी भाग शिखर पॉइंट है ना, जो गुंबद जैसा भाग जो दिख रहा है इसका ऊपरी भाग आए, उससे पहले आप एक नदी यहां पर लाकर मिलाइए, इसमें एक नदी लाइए और ये नदी देखिएगा टेढ़ी सी है, जैसे सांप नहीं चलता ऐसा, ये देखिए ऐसे लाइए ऐसे, और यह किसी भी कलर से हो सकता है। इसका नाम है श्योक, ये क्या हुई श्योक। अब ध्यान दीजिए, सिंधु क्या नदी हो गई, मुख्य नदी हो गई, उसमें जो नदी मिली एक यहां पर आपने जिसको मिला है यह है सहायक नदी श्योक नदी, लेकिन श्योक के भी एक सहायक है जिसका नाम है नुब्रा नदी। तो यहां पर भी एक एस आकार की संरचना ऐसे बना दीजिए, ऐसे ही एस आकार की एक संरचना बना दीजिए, प्लीज बनाइए, बन गया। बन गया ठीक। मुकेश कह रहा सर पूरा डायग्राम बना दे, पूरा डायग्राम तो नहीं बना पाए हो, झूठ बोल रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, इतनी जल्दी पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंधु नदी श्योक और निब्रा, अब आगे की ओर बढ़िए, इधर से एक नदी को लेकर आइए और इस नदी का नाम है गिलगित नदी। पहले आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप एक फेयर कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा कलरफुल। तो जैसे और इसको क्या करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, अभी एक तरीका बताऊंगा ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। तो यहां पर आपने देखा गिलगित नदी, आगे की ओर बढ़ेंगे फिर से एक नदी लेकर आइए और यहां पर देखेंगे आपको एक नदी मिलेगी काबुल नदी, काबुल नदी को मिला दीजिए। और काबुल जो नदी है उसकी एक सहायक नदी है उसको ऐसे मिला दीजिए, जैसे क्वेश्चन मार्क का नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है वैसे मिला दीजिए। बना दिया आप ठीक है, तो काबुल हो गई है ना, श्वात नदी हो गई। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक और नदी काबुल के बाद कुर्रम नदी, ये नदी ऐसे लाइए और इस तरह से इसको मिला दीजिए, कुर्रम नदी ठीक है। आप सब लोगों ने मैगजीन, जो मैगजीन प्राप्त करना है दो, जैसे कि मैंने टेलीग्राम पर आपने देखा होगा हमने सूचित करवाया है कि हम 1000 से 2000 बच्चों को ना अगले दो साल तक फ्री मैगजीन प्रत्येक माह, तीन मैगजीन प्रत्येक माह हम फ्री में देंगे, लेकिन वो किसको देंगे, जो एक टास्क बताया गया है उसको फॉलो करेंगे। तो जिन लोगों ने फ्री की मैगजीन प्राप्त, कौन सी मैगजीन होगी, योजना कुरुक्षेत्र डाउन टू अर्थ, और उसका जिस्ट है, जिस्ट का क्रक्स मतलब उसमें ऐसी चीजें हैं जो फालतू की चीजें हटा दी जाती हैं जो सिर्फ आपके काम की हैं, तो वह चीजें आपको अगर चाहिए, मैगजीन चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा, जो टास्क बताया गया है उसको कंप्लीट कीजिएगा, ध्यान से मैसेज पढ़िएगा, बार बार मैसेज मत कीजिए कैसे करना है, टेलीग्राम पर जो मैसेज भेजा गया उसको ध्यान से पढ़िएगा, सभी सूचनाएं हैं और उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, फ्री मैगजीन 2 साल तक कंटिन्यूअस प्रत्येक माह 3 मैगजीन प्राप्त करेंगे। इसका मतलब है कि एक महीने में 3 मैगजीन, तो 12 महीने में 36 और उसका फिर 72 मैगजीन ठीक है। चलिए, तो कुर्रम नदी जो है इससे एक नदी और आके मिलती है और वो है तोची नदी। तोची नदी, अभी आप ध्यान दीजिएगा कि नदियों को हम एक दिशा से ही मिला रहे हैं ठीक है। उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो एक नदी मिलेगी गोमल नदी, गोमल नदी, और फिर इसमें देखिए दो नदियों को और मिला दीजिए है ना, कादर नदी और झोब नदी। अब देखिए क्या होता है, कोई नदी जिस डायरेक्शन में गति करती है आप उसी डायरेक्शन में मुंह करके खड़े हो जाएं तो जो आपका दायां होगा वही नदी का दायां होगा। जैसे ही नदी इधर जा रही है तो नदी का ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, यह ये होगा दायां, ये कौन सा हो किनारा होगा दायां,
और ये कौन सा किनारा होगा? बाया, ऐसे ही तो होगा। तो जो नदी जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन के अनुसार उसका दायां और बायां क्या होता है? निर्धारित होता है। तो जैसे ये नदी इधर की ओर जा रही है तो यह नदी का यह जो अभी आपने भाग देखा यह नदी का कौन सा किनारा है? यह दायां किनारा है, दायां किनारा। अब जितनी भी नदियां अभी आपने मिलाई ये नदियों के दाहिने हिस्से से अर्थात सिंधु नदी के दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां थी। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंधु नदी में दाहिने की तरफ से मिलने वाली नदियों का क्रम क्या है तो बता लेंगे कि नहीं? अब तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, श्योक को बता देंगे, गिलगित को बता देंगे, काबुल को बता देंगे, है ना, कुर्रम को बता देंगे और गोमल नदी को बता देंगे, उनकी सहायक नदियों को बता देंगे किधर से दाहिने। अब हम आते हैं बाएं साइड से, बाएं साइड से मिलने वाली नदियों को देखते हैं। क्लियर? कहीं अभी देखना नहीं है भैया, अभी एटलस नहीं देखना है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, है ना, ये है कदर नदी, ये झोब नदी, ठीक है, ये कदर नदी, झोब नदी। चल यहां पर आइए, अब इधर से देखिए, जब ये सिंधु नदी यहां से निकली और आगे की ओर बढ़ी तो सबसे पहले एक नदी यहां पर मिलती है, जास्कर नदी। अब ध्यान दीजिएगा जास्कर को कहां मिलाना है? श्योक से पहले मिला दीजिएगा। ये देखिए, ये रहा श्योक, श्योक से पहले यहां पर क्या कीजिएगा? जास्कर नदी को मिला दीजिए। जास्कर नदी श्योक से पहले मिलाइएगा, उल्टा सीधा मत कर दीजिएगा। मिल गया? अब देखिए ये रहा आपकी जास्कर नदी। तो जास्कर नदी को अब क्या कीजिए, बाएं साइड से, है ना, लेफ्ट साइड से इसको मिलाना है और कहां पर? श्योक नदी से पहले मिला देना, ठीक, जास्कर नदी हो गई। अब जास्कर नदी के बाद जब आगे की ओर बढ़ेंगे आप, जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर देखेंगे एक नदी और मिलेगी, सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी मिली। ठीक है, यहां पर भी देखिए, ये रहा आपका जास्कर नदी और ये रही आपकी सोहन नदी। अब उसके बाद यहां पर आइए, अब देखिए, अब क्या कीजिए, इसमें बहुत सी नदियां और अब छोटी छोटी मिलेंगे। यहां पर देखिए एक नदी है आपको, झेलम नदी। तो यहां पर एक क्षेत्र देखेंगे, एक क्षेत्र देखेंगे, बेरीनाग जो झील है उसके पास से ऐसे एक नदी को ऐसे लाइए और इधर ऐसे खींच दीजिए, यहां से एक नदी को ऐसे लाइए, ऐसे इसको ऐसे खींच दीजिए और फिर यहां से एक नदी को ऐसे लाइए, इस तरह से इन सब नदियों को मिला दीजिए और फिर यहां से देखिए एक और, जैसे आपने सिंधु को खींचा था इसी तरह से एक नदी ऐसे खींचिए और इस सभी नदियां क्या हो गई, इन सभी नदियों ने अल्टीमेट तरीके से क्या किया, यहां पर अपने जल को मिला दिया। अब यहां पर क्या हुआ होगा, देखिए आप देख सकते हैं, तो यहां पर कई नदियां आपको देखने को मिलेगी, जैसे कहर नदी, है ना, किशनगंगा नदी, यहां पर बेरीनाग झील देखने को मिल रहा है, है ना, यहां पर बाड़ा लाचाला दर्रा, यहां पर रोहतांग दर्रा। ये जो दर्रे हैं, ये जो क्षेत्र हैं, ये क्या बताते हैं, जहां से नदियां निकलती हैं। तो अब इस इमेज को करना क्या है, इस इमेज को करना क्या है, इस इमेज का आपको क्या करना है, इसी तरह से इमेज को ड्रॉ कर लेना। और जब एक बार आप इस इमेज को इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे फिर क्या होगा, मैं आपको, ये देखिए एक सेकेंड, अरे कहाँ गया, अच्छा लगाया नहीं। फिर अब मैं क्या करूँगा, एक एक नदी को मैं लूँगा, सिंधु नदी को लूँगा, उसको आगे बढ़ाऊँगा टेक्स्ट के माध्यम से। तो जब आपको मैं टेक्स्ट के माध्यम से ये सभी चीज़ें बताऊंगा तो आपको सिर्फ अपने सामने इस मैप को रखना है और उसको फॉलो करना है। एक बार आपने बना लिया है अब इसको आप अपने पास रख लीजिएगा, सोते समय क्या करना है, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, आपको बस इसको रटना नहीं है,
बस एक बार सोते समय इनको एक बार देख लीजिएगा कि अच्छा यहाँ से नदी निकली थी, ऐसे ऐसे आई। बस 2 से 3 दिन एक बार क्या कीजिएगा, इसको देख लीजिएगा सोते समय, आपको बिल्कुल भी कभी भी ये नदियाँ नहीं भूलेंगी। लेकिन वो तब होगा जब आप क्या करेंगे, इस तरह से लकीरें खींच के नदी को यहाँ पर ला कर गिराएंगे, अर्थात आपको नदी का उद्गम करवाना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसमें आकर जो नदियाँ मिलती हैं उन नदियों को क्या कर देना है, मिला देना। और तभी क्या होगा, ये पूरा जो नदी तंत्र हमारा कंप्लीट हो पाएगा, सिंधु नदी तंत्र। तो आज इतना ही रखते हैं, और मैं यह वाला जो इमेज है, यह वाला इमेज आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आप प्रैक्टिस कर सकें, मैं यह इमेज आपको दे रहा हूं। आप लोग क्या कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, और कल से क्या करेंगे हम, इस सिंधु नदी और इसकी जितनी सहायक नदियां हैं उनको टेक्स्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। लेकिन जब आप इसको बना के रखे रहेंगे तभी टेक्स्ट के माध्यम से नदियां आपको समझ में आएंगे। क्लियर है? क्लियर है। एक चीज और, इस रविवार को, ये जो रविवार है, इस रविवार को सुबह 10 बजे से एक पॉलिटी की क्लास, पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 7th का एनसीईआरटी की क्लास होगी, और एक ही दिन में क्लास कंप्लीट होगी। अर्थात पॉलिटी क्लास 7th की एनसीईआरटी एक ही दिन में संडे को कवर किया जाएगा, एक ही शॉट में, एक ही जो है कि क्लास में पूरी एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे। तो आप सब लोग इसका टाइमिंग ध्यान रखिएगा, इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये होने जा रही है, ठीक है। और बाकी कल हम लोग इस नदी तंत्र को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग मिलेंगे 1 बजे, 1 बजे मिलेंगे हम लोग मैपिंग की क्लास में, और उसके बाद हम लोग मिलेंगे 3:30 बजे, 3:30 बजे जो है एनसीईआरटी की क्लास होती है, उसके बाद 6 बजे मिलेंगे जलवायु विज्ञान की क्लास में, और फिर हम लोग मिलेंगे 9 बजे, 9 बजे होगा ज्योग्राफी एमसीक्यू की क्लास, ठीक है। तो चलिए दूसरे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। दूसरा, टेलीग्राम पर जो फ्री में मैगजीन प्राप्त करने के लिए जो मैसेज डाला गया है उसको फिर से डाला जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, जिससे आप इससे वंचित ना रह जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक